हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सिखाने वाले फेस स्मूथ कैसे करें और बैकग्राउंड चेंज कैसे करें, वो भी सिर्फ एक से दो ही स्टेप में। तो आप ये देख सकते हो, ये अपना फेस स्मूथ किया हुआ है। और अपना पहले का भी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, या आप पहले का फ़ोटो देख सकते हो जो कि इसमें एडिटिंग किया हुआ नहीं है। और एडिटिंग करने के बाद का भी आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है अपना फेस, कितना स्मूथ लग रहा है और बैकग्राउंड भी चेंजिंग है। तो आप भी इतना ही प्यारा फ़ोटो स्मूथ करना चाहते थे, फेस स्मूथ करना चाहते हो, तो प्लीज़ ये वीडियो जरूर से ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करोगे वो फ़ोटो आप लाइट रूम में ऐड कर लेना। तो अपन चलते हैं लाइट रूम में। तो अपन आ चुके हैं लाइट रूम में। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करोगे वो लाइट रूम में आप ऐड कर लेना। तो अपन, मैं पहले ही लाइट रूम में ऐड कर चुका हूँ ये वाली फ़ोटो, तो इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जो आप अपन एडिट करने वाले हैं। तो ये अपना सेलेक्ट हो गया, इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं, इतना नॉर्मल सही है। तो आप भी हल्का सा जूम कर लेना। जूम करने के बाद अपन आ जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पर। एडिट वाले ऑप्शन पर आने के बाद इसको अपन ऑटो कर देंगे, जो कि अपना फर्स्ट नंबर पर आप ये देख सकते हो ऑटो का ऑप्शन है। तो इस ऑटो पर क्लिक कर देंगे। ऑटो पे क्लिक करने से अपना ये होता है कि अपना फेस का कलर एडजस्ट हो जाता है और आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अपन को एडिट करने में। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर कर लेना इसको। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे कलर वाला ऑप्शन पे, जो कि ये तीसरे नंबर पे आपको देख सकते हो आप। ये इस तीसरे नंबर पर अपन क्लिक कर देंगे, इसको हल्का सा वो कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अपन आ जाएंगे ऐसे कलर वाला ऑप्शन पर, जो कि आप ये देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर कलर वाला ऑप्शन है। इस फर्स्ट नंबर पर अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपन जो क्लिक करने के बाद अपने ये कलर आएंगे, बहुत सारे जो कलर होते हैं। तो अपन ये फर्स्ट नंबर वाला है जो रेड कलर का है, इसके अपन फर्स्ट वाले के सेकंड को अपन माइनस में कर देंगे, ज़्यादा नहीं रखना, 10-15 के आप 10-15 ही रखना। और इसको जो थर्ड नंबर वाला है इसको हल्का सा प्लस में कर देंगे, इसके आसपास ही दोनों इतना ही रखना, 10-15 के अंदर में रखना अपन को। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे इस ऑरेंज वाले ऑप्शन पर, जो कि सेकेंड नंबर पर है। इस पर अपन क्लिक कर देंगे और सेकंड वाले के सेकंड को माइनस में कर देंगे और थर्ड को फुल प्लस में कर देंगे, ये अपने फेस के लिए। तो आप ये देख सकते हो ये अपना पहले का है और ये अभी का है, जो कि कितना प्यारा स्मूथ हो चुका है अपना फेस। तो इसको आप नॉर्मल भी रख सकते हो, हल्का फुल्का भी रख सकते हो। इतना करने के लिए अपन यहाँ से इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एडिट कर देंगे और इसको यहाँ से शेयर कर लेंगे अपन स्नैपसीड में। उससे क्या है कि अपने फेस पे जो अपने काले काले धब्बे वो आराम से वहाँ से हट जाएगा। तो अपन यहाँ से शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड में। तो ये सेकंड नंबर पे अपन क्लिक कर देंगे शेयर और यहाँ से आ जाएंगे अपन स्नैपसीड में। तो अपन चलते हैं स्नैपसीड में। ये आ चुका अपन स्नैपसीड में। तो आप भी प्लीज़ यहाँ से ऐड कर लेना। इसको हल्का सा जूम कर लेंगे और पेंसिल वाला ये आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस पे अपन क्लिक कर देंगे और ये अपना इस वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको हल्का सा और जूम कर लेंगे और ये प्लस वाले पे, ये प्लस आपको दिख रहा है, इस प्लस वाले पे क्लिक कर लेंगे और इसको जहाँ पे अपना ब्लैक है, इस दाढ़ी के पास ब्लैक है, तो इस दाढ़ी के पास करके यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे और ये अपने जहाँ पर ब्लैक हो ना वहीं उतना ही इसका साइज रखना पड़ता है। और इसको अपन राइट में कर देंगे। राइट में करने के बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और अब की बार जहाँ पे ब्लैक है अपने दाढ़ी के पास ही ब्लैक, तो इस दाढ़ी पे अपन क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इसको और छोटा कर देंगे और इसको प्लस में कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो अपना हल्का फुल्का इस पर असर पड़ा, ये अपना पहले का और यह अब का। तो हल्का सा इसके अपन सर पर भी कर देते हैं, सर थोड़ा ब्लैक लग रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से क्लिक करके इसको अपन सर पर ले जाएंगे जहाँ पर अपने ब्लैक है, ब्लैक यहाँ पे हल्का फुल्का, तो यहाँ पे ले जाएंगे और इसको हल्का सा छोटा कर देंगे। यहाँ से छोटा देख सकते हो आप, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और ये शुरू से लास्ट तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप एडिट करना नहीं सीख पाओगे। तो अपना स्नैपसीड का इतना सही काम था। तो अपन यहाँ से भी शेयर कर लेते हैं फोटो स्केच बुक में, जहाँ पर अपन फेस को स्मूथ करेंगे और वहाँ से गोरा भी करेंगे। तो इसको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अपन और यहाँ से अपन आ जाएंगे स्केच बुक में। तो स्केच बुक में आ जाते हैं अपन। तो यहाँ से आ चुका अपन स्केच बुक में। तो स्केच बुक में अपना क्या है कि पेज अपना टेढ़ा हो गया, तो इसको अपन सीधा कर लेते हैं और इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि जूम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपन इसके फेस स्मूथ करेंगे तो इसको जूम करना ज़रूरी होता है।
तो इसको फेस स्मूथ करने के लिए अपन पेंसिल वाले बेल आइकन पे अपन यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हल्का सा ऊपर जाएंगे और ये आप ध्यान से देखना, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला आपको ब्रश दिख रहा है, इस पर अपन क्लिक करेंगे और इसका आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये प्लीज़ आप ये जरूर स्क्रीनशॉट ले कर रख लेना, बाद में भूल ना जाओ आप। तो इसको अपन यहाँ से नॉर्मल रख लेंगे। नॉर्मल रखने के बाद यहाँ से अपन कटस कर देंगे और हल्का सा जूम करेंगे और हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे इसको फेरेंगे। और ध्यान रहे, पूरा वीडियो देखोगे लास्ट तक तो ही आपको समझ में आएगा, तो ही आप फेस स्मूथ करना सीख पाओगे, नहीं तो फिर नहीं सीख पाओगे। तो आप हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे इसको फेर लेते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हो कितना प्यारा अपना फेस स्मूथ हो गया। तो ऐसे ही अपन हर जगह इसको हल्का हल्का फेर लेंगे। और प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो उसके बाद अपन इसको हल्का हल्का फेर लेंगे, इसको अपने पूरे शरीर पे फेर लेंगे, जहाँ जहाँ पे अपने फेस है, हाथ है, वहाँ पर फेर लेंगे। तो आप ये देख सकते हो कितना प्यारा स्मूथ हो गया। तो ऐसे ही अपन इस हाथ में भी फेर लेंगे, हल्के हल्के हाथों से। ध्यान रहे आपको हल्के हल्के हाथों से करना, तो फिर क्या है कि अपना बिगड़ जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसको तो अपन पाँव में भी फेर लेते, अच्छे से अपन इसको फेर लेते। ये हो चुका, इसमें भी अपन कर लेते हैं हल्का, और जूम कर लेते। ये हो चुका अपना फेस स्मूथ। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा स्मूथ हो गया। और स्मूथ करने के बाद अपन हल्का सा इसके लिप्स पे, या फिर आप इसको गोरा करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ गोरा करने का भी है, बहुत अच्छे से इसको गोरा कर लोगे। तो इसको लिए अपन आ जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कटर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल लिखा हुआ, इस पे अपन क्लिक करके सॉफ्ट लाइट जो कि सबसे नीचे नीचे, इस पे अपन क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ से कटस कर देंगे और आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर। कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ से अपन सफ़ेद ले लेंगे, वाइट ले लेंगे और यहाँ से कटस कर देंगे। वाइट लेने के बाद ब्रश वाले पेंसिल पे आकर इसको हल्का सा बढ़ा लेंगे, इतना ही रहने देंगे और यहाँ से कटस कर देंगे। और ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, पसंद आया आपको तो आप इसका यूज़ करना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये फेस अपने स्मूथ करने के लिए होता है, सॉरी गोरा करने के लिए होता है। आप ये देख सकते हो रिजल्ट कितना प्यारा अपना रिजल्ट है। तो इसको आप कम भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि कम नहीं कर सकते। कम करने के लिए इस पर क्लिक करके यहाँ से अपन इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, या फिर अपन को ज़्यादा करना तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरा फेर के दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लगता है पूरा फेरने पे। इसको भी आप हल्के हल्के हाथों से फेर लेना, तो ये आप देख सकते हो ऐसा लगेगा ये। और इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, देख सकते हो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अपन इसको अभी पहले कर लेते हैं पूरा, उसके बाद अपन फेर लेंगे। तो आप इसको भी अपने हल्के हल्के हाथों से फेर लेना, अपन पूरे शरीर पे इसको फेर लेते पहले, उसके बाद इसका ब्राइटनेस कम कर देंगे जिससे ज़्यादा गोरा ना लगे और नॉर्मली लगे ठीक ठाक। तो यहाँ से अपने इसको कर लेते अच्छे से, यहाँ सर बाकी रह गया, इसको भी अपन आराम से कर लेंगे। जल्दीबाजी मत करना प्लीज़, नहीं तो फिर अब मज़ा नहीं आएगा, अपना पूरा फोटो क्या है कि बेकार हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको भी आराम आराम से करें और अपने हाथ पे भी फेर लेंगे, इसको हल्का सा जूम कर लेना। जूम करने पे क्या है कि थोड़ा अच्छे से हो जाएगा ये। आप उसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये हो चुका अपना फेस गोरा। गोरा करने के बाद इसको अपन हल्का सा कम भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आप अपने हिसाब से रख लेना, मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। तो अपने मेरे हिसाब से ये अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगने के बाद इसको अपन हल्का सा लिप्स पे अपन इसको कलर देंगे। तो लिप्स पे कलर देने के लिए इस वाले कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, और जो आप देना चाहो पिंक देना चाहो रेड देना चाहो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कटस कर देंगे और यहाँ से इसका हल्का सा कम कर लेंगे। कम करने के बाद जूम कर लेंगे और अपने लिप्स पे इसको फेर लेंगे। ध्यान रहे लिप्स से बाहर ना निकले, ये तो फिर अपना पूरा फोटो क्या है कि बेकार हो जाएगा। तो इसको ध्यान रहे लिप्स ही
ये हो चुका। और इसको हल्का सा कम करने के लिए पहले तो इसको सेव कर लेंगे। और आप ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये करने के बाद अपन यहाँ से दोबारा शेयर करेंगे। इसको शेयर करने के लिए शेयर वाले ये आप ये देख सकते हो 3 डॉट है, इस पर अपन क्लिक कर लेंगे और यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से लास्ट वाला क्लिक कर देंगे और अपन आ जाएंगे यहाँ से लाइट रूम में। तो अपन इन्हें ऐड कर लेते हैं लाइट रूम में, तो आ चुका अपन लाइट रूम में। तो इसको अपन पहले सीधा कर लेते हैं, तो यह हो चुका अपना सीधा। सीधा करने के बाद अपन आ जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे आके थर्ड नंबर वाले को फुल कर देंगे। फिर यहाँ इसको अपन नॉर्मल भी कर सकते हैं, तो इसको अपन फुल ही रहने देंगे। तो आप देख सकते हो एक स्टेप में कितना प्यारा हो गया। इसके करने के बाद अपन आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से सेकंड वाले पे आके यहाँ से भी आप और भी ज़्यादा गोरा कर सकते हो, पर ये नॉर्मली अच्छा है तो इसको इतना ही रहने देंगे। इतना रहने के बाद अपन आ जाएंगे ग्रीन वाले पे और इसको प्लस में कर देंगे या फिर आप माइनस में भी कर सकते हो, पर इसको माइनस में कर देंगे और इसको यहाँ से प्लस में कर देंगे। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे नीले वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, कपड़ा भी कलर चेंज कर सकते हो। तो पर इसको अपन ब्लू रखेंगे और इसको फुल कर देंगे। फुल करने के बाद इसको हल्का सा माइनस में सॉरी प्लस में कर देंगे लाइट के लिए और यहाँ से अपन इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से एडिट कर देंगे। तो ये हो चुका अपना फोटो एडिट। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसको अपन गैलरी में सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पर अपन क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव कॉपी टू डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये हो चुका अपना फोटो एडिट। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।